वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए रवि ब्लॉग्स टेक चैनल को और दबाइए बेल आइकन। व्हाट्सअप दोस्तों, मेरा नाम रवि शंकर है और स्वागत है आपका मेरे चैनल रवि ब्लॉग्स टेक में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा ऑनर बैंड 6 के बारे में, जो कि दोस्तों एक स्मार्ट वॉच और साथ ही में एक फिटनेस ट्रैकर भी है ऑनर की तरफ से, और बहुत ही अमेजिंग सा स्मार्ट वॉच या फिर फिटनेस ट्रैकर है, जिसके बारे में आप लोगों को मैं पूरी डिटेल्स में बताऊंगा कि ये कब लॉन्च होगा, क्या प्राइस होंगे इसके और क्या क्या फीचर्स आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं इस वॉच में। तो दोस्तों, उसके लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही लेटेस्ट टेक के अपडेट्स इन डिटेल डेली लाता रहता हूं, जो कि आप लोग बिल्कुल भी नहीं चाहोगे मिस करना। और दोस्तों, हम लोग बहुत ही करीब है 5K सब्सक्राइबर्स के लिए, तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो। तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, डायरेक्टली बात करते हैं यहां पे सबसे पहले इसके फीचर्स के साथ, तो इसमें क्या क्या आप लोगों को फीचर देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, इसकी स्क्रीन की बात करें तो दोस्तों, और शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये दोस्तों जो भी फीचर्स मैं बता रहा हूं, ये कोई भी लीक्ड वगैरह नहीं है, ये ऑफिशियली है, ये ऑफिशियल चाइना में रिलीज हो चुका है कुछ दिन पहले, और उसी से सब कुछ डिटेल्स इसके बारे में स्पेसिफिकेशंस बेसिकली पता चल पाए हैं, तो वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो दोस्तों, जो सबसे पहला जो है इसका स्क्रीन, जो कि है दोस्तों एक एमोलेड स्क्रीन, जो कि गाइस बहुत ही अच्छी बात है। एमोलेड स्क्रीन में आप लोगों को और भी बेटर व्यूइंग एक्सपीरियंस और बैटरी कंजम्पशन वगैरह, बैटरी को बहुत ही अच्छे तरह से मैनेज कर सकते हो, बहुत ही अच्छा रहता है एमोलेड स्क्रीन। तो इसमें आप लोगों को एक एमोलेड स्क्रीन मिल रहा है, जिसका दोस्तों जो साइज़ होगा 1.47 इंच रहेगा, और इसका जो रिजोल्यूशन रहेगा वो है दोस्तों 198x368 पिक्सल्स। और दोस्तों, ये वॉच सपोर्ट करता है अप टू 100 वॉच फेसेस, जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है। और जो लोग नहीं जानते वॉच फेसेस क्या होता है, मैं बता दूँ, वो जो टॉप ऊपर का जो वॉच होता है, मतलब जिसमें आप मेन टाइम देखते हो, उसको आप चेंज कर सकते हो, कस्टमाइज़ कर सकते हो, अप टू 100 तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हो, मतलब 100 अवेलेबल रहेंगे फ्री आप जब बाइक करोगे तो। अब और मैं बता दूँ, ये वाटरप्रूफ भी है, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि फिटनेस ट्रैकर्स में ज़्यादातर वाटरप्रूफ होती है, तो इसमें आप तो 50 मीटर्स का आप लोगों को वाटरप्रूफ देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, इसकी बात करें हेल्थ रिलेटेड ऐप्स जो इनबिल्ट आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, तो सबसे पहले तो इसमें आप लोगों को मिल जाता है, जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है दोस्तों, वो है दोस्तों हार्ट रेट मॉनिटर। और मैं बता दूँ, ये एक ट्रू स्क्रीन ट्रू सीन 4.0 टेक्नोलॉजी पर बनी है, जो कि हुआ भी की है, और ये बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है, जो कि बहुत ही एक्यूरेटली मेजर करता है आप लोगों के हार्ट रेट को, जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट दोस्तों, इसमें आप लोगों को मिल जाता है SPO2 सेंसर भी, जिसकी मदद से आप ऑक्सीजन लेवल वगैरह ट्रैक कर सकते हो। और नेक्स्ट आप लोगों को मिल जाता है दोस्तों स्लीप टेक्नोलॉजी, मतलब स्लीप वगैरह भी मेजर करेगा, और भी साथ में बहुत सारे और भी फिटनेस ऐप्स देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों, स्पोर्ट्स मोड की बात करें तो इसमें आप लोगों को 10 प्रोफेशनल स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाते हैं इस स्मार्ट वॉच में, जो कि है दोस्तों पहला तो है आउटडोर रनिंग, फिर इंडोर रनिंग, आउटडोर वॉकिंग, फिर आउटडोर साइकिलिंग, फिर इंडोर साइकिलिंग, स्विमिंग ट्रेनिंग, फिर इंडोर वॉकिंग, रोनिंग मशीन एंड एलिप्टिकल ट्रेनिंग, ये सब आप लोगों को मिल जाते हैं। ये कहा जा रहा है प्रोफेशनल ट्रेनिंग, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स ट्रैकर है ये, अप टू 10 ट्रैकर्स हैं इनबिल्ट। अब दोस्तों, बात करें इसके एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में, इसके बैटरी के बारे में, तो दोस्तों इसमें आप लोगों को बैटरी मिल जाता है बहुत ही अच्छा सा, 14 डेज का लास्ट करने वाला बैटरी, जो कि जो कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आप लोगों को 180 mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है, जो कि 14 डेज तक चलेगा, ऐसा कंपनी क्लेम करती है। अब देखते हैं कि जब हैंड्स ऑन होते हैं तो कितना दिन तक चलता है। और दोस्तों, मैं बता दूं, ये अप टू इसमें आप लोगों को चार्ज करने के लिए मैग्नेटिक चार्ज देखने को मिल जाते हैं, और जो कि दोस्तों आप अगर हैवी यूज़ भी कर रहे हो इस वॉच को, तो अप टू 10 डेज तक चलने वाली ये वॉच बिना कोई प्रॉब्लम के, जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है। और दोस्तों, नेक्स्ट बात करें इसमें आप लोगों को चार्जिंग स्पीड की, तो इसमें आप लोगों को जैसे मैंने बताया मैग्नेटिक चार्ज है, जो कि अप टू 65 मिनट्स में फुल चार्ज कर देता है, जो कि दोस्तों थोड़ा सा स्लो है, मतलब 1 आवर से थोड़ा सा ज़्यादा है फुल 0 to 100 करने में, वो भी सिर्फ 180 mAh के बैटरी को। पर दोस्तों, ये एक स्मार्ट वॉच है, ये कोई स्मार्टफोन नहीं है जो बहुत ही फास्ट चार्ज कर देगा, तो इसलिए आप लोगों को 65 मिनट में फुल चार्ज मिल जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, इसमें बात करें अदर फीचर्स की, जो कि आप यूज़ कर सकते हो अपने फ़ोन को कनेक्ट करने के बाद, तो वो है दोस्तों जैसे कि फ़ोन फाइंड कर सकते हो, फिर मैसेज वगैरह अगर आपके फ़ोन में आ रहे हैं तो इसमें भी आएंगे, जो कि दोस्तों बहुत ही हेल्पफुल फीचर है। फिर रिमोट कैमरा
मिल जाते हैं। अगर आपके फ़ोन में कोई सिक्योरिटी कैमरा, मतलब आप अपने फ़ोन को सिक्योरिटी कैमरा के जैसे यूज़ करना चाहते हो तो वो भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। और फिर म्यूज़िक कंट्रोल भी कर सकते हो स्मार्टफोन के, वेदर अपडेट्स, फिर इनएक्टिविटी अलर्ट, फिर और भी बहुत सारे हैं ऐसे ऐसे। अब दोस्तों फाइनली बात करते हैं मेन चीज़ इसके प्राइस के बारे में और साथ ही में रिलीज डेट के बारे में भी। तो रिलीज डेट तो सबसे पहले मैं बता दूँ, ये दोस्तों अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ है, अभी मतलब कि ये बहुत ही जल्द आने वाला इंडिया में ये कन्फर्म हो गया, क्योंकि दोस्तों इसको अभी तुरंत ही BIS सर्टिफिकेट मिल गई है, अभी फिलहाल में ही एक दो दिन पहले ही मिली है BIS सर्टिफिकेट, जिसका ये मतलब है कि ये दोस्तों कुछ ही दिन में आने वाला है इंडिया में, प्रॉबेबली एक इस वीक, वन वीक के अंदर अंदर ये आ जाएगा। और जब आ जाएगा तो उसके बारे में भी आप लोगों को मैं वीडियो में बता दूंगा, तो उसके लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों मैं बता दूँ इसकी प्राइस कितनी होगी, तो दोस्तों ये जैसे कि मैंने बताया ये स्टार्टिंग में ही कि ये चाइना में ऑलरेडी लॉन्च हो गई है, और जो चाइना का इसका प्राइस है दोस्तों वो है स्टैंडर्ड वर्जन का, मतलब जो बेस वर्जन है उसका जो प्राइस है चाइना में वो है दोस्तों 249 चाइनीज़ यान, मतलब चाइनीज़ के करेंसी में जो भी है वो 249 है। और जिसको आप दोस्तों इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो वो होगा अप्रॉक्सीमेटली 2800 रुपीज़। तो ये है स्टैंडर्ड वर्जन का प्राइस। और साथ ही में आप लोग NFC वाला वर्जन चाहिए तो दोस्तों उसका जो प्राइस है वो है 289 CYN, और जिसको इंडियन करेंसी में आप कन्वर्ट करोगे तो 3250 रुपीज है, जो कि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा नहीं है अगर आप इसके फीचर्स वगैरह को देखोगे तो। तो वेल दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर से लाइक करना और कमेंट में बताना अपने ओपिनियन इस वीडियो के बारे में, मेरे बारे में, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं हर एक कमेंट्स की रिप्लाई जरूर करता हूं। और शेयर करो इस वीडियो को सभी के साथ, और चैनल पर नया आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही लेटेस्ट टेक की अपडेट्स इन डिटेल डेली लाता रहता हूं, जो कि आप लोग बिल्कुल भी नहीं चाहोगे मिस करना। और दोस्तों हम लोग बहुत ही करीब है 5K सब्सक्राइबर्स के लिए, तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।